नमस्कार, अभिलाषा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ जो हम सबका फेवरेट होता है। इसे आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या शाम में स्नैक्स के रूप में दे सकते हैं। बच्चों को तो ये इतने पसंद आते हैं कि पूछना ही नहीं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाला है। जब जीरा तरकने लगे तो उसमें 1 हरी मिर्च को कट करके मैंने डाला है। इसके साथ ही मैंने 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को और 4 पीस लहसुन की कलियों को बिल्कुल चॉप्ड करके डाला है। आप चाहें तो हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो। इन सभी चीज़ों को चलाते हुए हमें अच्छे से भुनना है जिससे इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब हमारे अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 ऑनियन को लंबे लंबे पतले पतले साइज़ में काट लिए हैं और इसे डालकर अब इन्हें हल्का गुलाबी होने तक भुनेंगे। मैंने यहाँ पर 10-12 करी लीव्स डाली है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल में डालने पे कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जल जाता है। अब यहाँ पर कुछ मसाले हम डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने धनिया जीरे का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और इसे भी इन प्याज के साथ हल्का भून लेंगे। ध्यान हमें देना है कि ये जले नहीं। इसके साथ ही मैंने यहाँ 4 आलू को उबालकर और क्रश करके ले लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इसे मैश नहीं करना है, थोड़े टुकड़ों में ही हमें इसे रखना है। अब इस आलू को इन मसालों के साथ हम हल्का सा दबाते हुए भूनते जाएंगे जिससे कि इन आलूओं में मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से चला जाएगा। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाला है और इसके साथ ही आमचूर पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। हरी मिर्च भी हमने डाली थी, इसलिए आप रेड चिली पाउडर अपने हिसाब से डालें। नमक मैंने यहाँ पर स्वाद के अनुसार डाल दिया है और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भुनना है। इन सभी चीज़ों से इस मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। इसमें से कुछ मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं आलू के साथ। अब हम इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती को चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिला दिया है। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और पसंद तो सबको बहुत ज़्यादा आती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर बादाम कुछ भुन के ले लिए हैं और इन्हें इसके साथ मिला दिया है। अब हम चलते हैं इसे स्टफ करने के लिए ब्रेड में। यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं और इसके किनारों को चाकू की मदद से कट करके निकाल दिया है। चारों तरफ से चाकू की मदद से हम इसके किनारों को निकाल देंगे, क्योंकि ये किनारे जब अगर ब्रेड रोल में रहेंगे तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। ये जो किनारे हमने निकाले हैं इसे आप फेंकिएगा नहीं। इसकी भी एक रेसिपी मैं जल्द ही शेयर करूँगी आपके साथ। अब मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है और इस ब्रेड को इसमें डालकर और दोनों हाथों से प्रेस करते हुए उसका पानी निकाल देंगे। अब ये जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार की है, इसके गोले बनाकर और इस ब्रेड के बीच में हम इसे चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करते हुए भर देंगे। ब्रेड को हमें पानी में डालकर और दबाना ज़रूरी है, नहीं तो ये ब्रेड ऑयल को पूरी तरह अपने में सोख कर लेगा। देखिए, एक ब्रेड रोल हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए ब्रेड रोल को भी स्टफ्ड कर लेंगे। हाथों से के बीच में ऐसे रखते हुए ब्रेड का सारा पानी हम निकाल लेंगे और फिर इन आलूओं को भरकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो पहले इन आलूओं को गोले बनाकर रख सकते हैं। देखिए, एक और ब्रेड रोल हमारा तैयार हुआ। इसे अच्छे से हमें प्रेस करना है, नहीं तो ये तेल में डालने पे फट जाएंगे। इसी तरह हमने सारे ब्रेड रोल को बनाकर तैयार कर लिया। अब हम मीडियम आंच पे ऑयल को गरम करेंगे और इन सभी ब्रेड रोल को एक एक करके डालकर फ्राई करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जितने ब्रेड रोल एक बार में आ सके उतना ही डालेंगे। बहुत ज़्यादा डालने पर ये फिर फटने का डर रहेगा। अच्छे से गुड़ होने पर हम इसे पलट लेंगे
एक तरफ जब अच्छा कलर आ जाए तब हम इसे पलटेंगे। इसी तरह चारों तरफ से घुमा घुमा के हम इस ब्रेड रोल को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारा, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। पेपर टॉवल पे हमने इसे बाहर निकाल लिया है। सेम इसी मेथड से हम सारे ब्रेड रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितने यमी ब्रेड रोल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। और इस सर्दी के मौसम में तो आप जब चाहें तब इसे बनाइए और खाइए। सुबह के नाश्ते या स्नैक्स कभी भी आप इसे बना सकते हैं। हरी चटनी, सॉस, इन सभी चीज़ों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं और गर्मा गर्म इसे खिलाइए और खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्रेड रोल की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।